फैब्रिक फैब्रिक से नेक पीस बनाया है ये थोड़ा सा गले से नीचे रहता है इसलिए एक बहुत सारे मैंने गले से चिपके हुए बनाए थे तो थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने थोड़ा इसको बड़ा बनाया है ये इसके ईयर हैं इसमें मैंने मिरर और कलर्स का यूज़ किया है सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया सभी मटेरियल घर पे ही मिल गए मुझे मैं कुछ परचेज़ करके नहीं लाई सिंपल ये कार्डबोर्ड और ये क्लोथ इसके मैंने राउंड पीस काटा नेक पीस के लिए और दो स्मॉल लंबे पीस ये अपने अकॉर्डिंग आप कितना भी ले सकते हो बड़ा छोटा कर सकते हो मेरा टू पॉइंट फाइव इंचज़ में मैंने राउंड किया हुआ है वैसे इसकी लेंथ को इसकी जो है सरगम फ्रेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं ऐसे ही इन पीसेस को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं रेक्टेंगुलर पीस हैं ये अपने अकॉर्डिंग कैसा भी कैसे भी ले सकते हैं और ये क्लोथ इसके ऊपर रैप कर दूँगी मैं नीडल की हेल्प से और ये मैंने तैयार कर लिए हैं पीसेस इसके लिए जो मटेरियल चाहिए मिरर हैं दो प्रकार के और ये पीस है मेरे पास था और डोरी जोड़ने के लिए नीडल और थ्रेड और ये ग्लू फैब्रिक ग्लू जो होता है और सीजर और बस ये अब हम शुरू करते हैं तो ये जो राउंड पीस है इसके ऊपर पहले मैं ये पीस लगा दूँगी ग्लू की हेल्प से लगाऊँगी लेकिन बाद में मैं इसको थोड़ा सा नीडल की हेल्प से टाइटली स्टिच कर दूँगी वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो इसलिए मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे ग्लू से दिखाया बट जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा क्योंकि मजबूती आ जाएगी तो मैं दो तीन टांके इसको नीडल से भी लगा दूँगी अभी सिर्फ वीडियो के लिए मैंने इसको ग्लू से किया है क्योंकि थोड़ा हैवी है ये पीस हल्का सा वेट तो नहीं है ज़्यादा पर हल्का सा हैवी है इससे मैं मैंने ये फाइव जो मिरर लिए हैं पीसेस इस पर मैं ग्लू लगा के इनको ग्लू भी मेरा थोड़ा कम हो गया इसको प्रेस करके निकाल रही हूँ तो इसको हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक स्टार सा बना देंगे इस तरह से फाइव स्टार्स जो हैं फाइव पीसेस लिए हैं मैंने ये मिरर के इनको मैं एक स्टार सा यहाँ पर बना दूँगी इस तरह से और कोई भी डिज़ाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं मुझे यही समझ आया मैंने ये बना दिया आपके आइडियाज़ अच्छे हों तो आप अच्छा कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस पर मुझे यही याद आया बस और मैंने इसको मैं वैसे मुझे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती है पर एम्ब्रॉयडरी से भी कभी बना के दिखाऊँगी लेकिन अभी मैंने जल्दी के लिए इसको एक सिंपल मेरे पास बिल्कुल ही कोई ऐसा नेक पीस थोड़ा लंबा नहीं था अब अब ये रेक्टेंग रेक्टेंगुलर पीसेस हैं इसमें भी मैं मिरर लगा दूँगी तो मैंने थोड़ा सा बना के कोशिश की कैसा बनता है देखते हो अल्टरनेट लगा देंगे राउंड और ये थोड़े से बर्फ़ी जैसे आकार के जो मिरर हैं दोनों पीसेस पर मैं यही पैटर्न बनाऊँगी और दूसरा जो पीस है इस पे भी मैं ऐसा ही सेम पैटर्न से इसको मिनरस को चिपका दूँगी और बीच में मैं दो ये पोम पम है इसको मैं नीडल की हेल्प से यहाँ पर अटैच कर दूँगी तो वीडियो के मैं एकदम अटैच करके ही दिखाऊँगी वीडियो को शॉर्ट करने के लिए तो ये मैंने अटैच करके दिखाया आपको इसके साथ ही मैंने एक पम पम नीचे और एक ऊपर और साथ में डोरी अटैच की है बांधने के लिए इसको फिर हम छोटा बड़ा कर सकते हैं डोरी की हेल्प से जितनी मर्जी हम वहाँ पर नॉट लगा सकते हैं तो इस तरह से ये इसको मैं इसके साथ स्टिच करके एक मैंने पहले ही स्टिच कर लिया था ये मैं दिखा रही हूँ कि कैसे स्टिच किया बस नीडल को पॉम पॉम और दोनों जो हैं डोरी और जो ये पट्टी हमने रेक्टेंगुलर पीस की पट्टी लगाई है इसके साथ हम मजबूती से इसको आ, कितने आ, तीन चार बार इसको थ्रेड को निकाल लेंगे और ये मजबूत हो जाएगा फिर हम बेचक इसको पहन सकते हैं बिल्कुल भी इसके गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे टूटने के चांसेस भी नहीं रहेंगे काफ़ी मज़बूत हो जाएगा ये तो ये मैंने इसको जोड़ दिया है दोनों डोरी अटैच कर दी हैं अब थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा जो मेरे पास ये पड़े हुए हैं कलर्स इससे मैं इस पे डिज़ाइन बना दूँगी ग्रीन कलर्स मैंने बीच में लगा दिया है ये जो कलर्स हैं ये मोती की लुक देते हैं ड्राई होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे हमने आ, मोती लगाए हुए हैं तो ये मैंने यहाँ पे है। फैब्रिक पेंट हैं ये जो आते हैं ये आउटलाइनर वाले पेंट पेंट ये मेरे पास ऐसी चीज़ें मैं घर पे रखती हूँ कहीं कहीं यूज़ करती रहती हूँ इनको तो यहाँ पर जल्दी वाला काम जो है आप बहुत जल्दी इसको तैयार कर सकते हैं तो मैंने इसको इनकी हेल्प से इसको डेकोरेट कर रही हूँ मेरे पास आठ दस कलर हैं पर मैं यहाँ पर तीन चार कलर्स का यूज़ कर रही हूँ जो कलर्स नीचे इसमें डिज़ाइन में हैं कोशिश की मैंने कि वही कलर मुझे मिल जाए तो ये ब्लू से डॉट एक बड़ा डॉट और उसके साथ साथ छोटे डॉट से मैं इसको फ़िल कर रही हूँ चारों तरफ मैं यही पैटर्न बना दूँगी कोई और भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं जो अच्छा लगे वीडियो बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें और भी चेंज कर लिया जो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तब तो पता लगेगा इसी इन्हीं कलर से मैंने कोई एक छोटा सा ज़िग सा डिज़ाइन चारों तरफ बना लिया पेंडेंट के चारों तरफ और पट्टी को भी डेकोरेट कर लेंगे डॉट से मल्टी कलर का दिखाई देगा फिर ये ब्लैक पे जाएगा काफ़ी कुछ पे जाएगा ये कलर थोड़े कम बचे हैं तो मुझे प्रेस करके स्किन को निकालना पड़ रहा है कलर भी कम है लेकिन काम मेरा हो जाएगा ये मैंने इसको रेडी कर लिया ईयर मैंने पहले ही बना रखे थे सेम ऐसे ही कार्डबोर्ड पे